अंतिम इच्छा। आंखें खोल देने वाली कहानी। एक कैदी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी अंतिम इच्छा में एक पेंसिल और कागज मांगा। काफी समय तक लिखने के बाद अपराधी ने कारागार के पहरेदार को बुलाया और वह चिट्ठी अपनी माँ को देने के लिए कहा। पत्र में लिखा था, माँ, अगर इस दुनिया में अधिक न्याय होता तो केवल मुझे ही नहीं बल्कि हम दोनों को फांसी की सजा होती। मैंने जैसा जीवन जिया है उसके लिए आप भी उतनी ही दोषी हैं जितना कि मैं। आप स्वयं को याद करवाओ, जब मैं अपने ही जैसे लड़के की साइकिल चोरी करके घर लेकर आया था। आपने मुझे साइकिल छिपाने में मदद की थी ताकि मेरे पिता उसे देख ना पाए। क्या आपको वह समय याद है जब मैंने पड़ोसी के बटुए से पैसे चुराए थे? उन पैसों को खर्च करने के लिए आप मेरे साथ मॉल में आई थीं। आपको याद है जब मैंने अपने पिता से बहस करके अपने कामों को उचित व जायज ठहराया था? पिताजी केवल मुझे सुधारना चाहते थे क्योंकि मैंने प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम चोरी किया था और उसके लिए मुझे निष्कासित किया गया था। माँ, तब मैं केवल एक बच्चा था। उसके तुरंत बाद मैं एक आपदग्रस्त किशोर बन गया और अब मैं एक अत्यंत विकृत व्यक्ति हूँ। माँ, मैं केवल एक बच्चा था जिसे सुधार की जरूरत थी, अनुमोदन की नहीं। लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यह पत्र दुनिया में अधिक से अधिक माता पिताओं तक पहुँचे ताकि वह जान पाएं कि जो लोगों को अच्छा या बुरा बनाता है वह शिक्षा है। मुझे ज़िंदगी देने के लिए और फिर उसे खोने में मदद के लिए माँ, आपका धन्यवाद। आपका अपराधी बच्चा। कहानी की सीख। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बहुत बार लाड़ प्यार में बच्चों पर रोक टोक नहीं रखते हैं। प्रेम का अर्थ आसक्त होना नहीं होता है। कहा जाता है, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टल जाती है। एक युवा पौधे को ढाल सकते हैं लेकिन अगर हम एक बड़े पेड़ को ढालने की कोशिश करेंगे तो वह टूट जाएगा। गलत कामों को शुरू में ही संबोधित करना चाहिए क्योंकि छोटी गलतियों को अनदेखा करने से एक दिन वह बड़े अपराध में बदल जाती है। माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को सही आदर्श सिखाएं ताकि बच्चे सही और गलत में भेदभाव कर सकें। सही परवरिश और नैतिक शिक्षा न केवल बच्चे और परिवार के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी हितकारी है। शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं नेल्सन मंडेला ने कहा है।